नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों आप सभी को पता है पहले टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने हारा था, तो वही दोस्तों आज सुबह 5 बजे दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर पहले दिन का खेल भारतीय टीम के गेंदबाजों के नाम रहा। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने क्या कुछ कारनामा करके दिखा दिया है और मैच को अपनी ओर मोड़ लिया है पहले दिन के खेल में ही, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होने के बाद टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और इनका यह फैसला बिल्कुल गलत साबित करके दिखा दिया भारत के गेंदबाजों ने, जहां पर ब्रॉन्स ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करते हुए वे कोई रन नहीं बना पाए, केवल 0 रन पे ही आउट होकर जाना पड़ा। जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट करवा दिया ऋषभ पंत के हाथों, तो वहीं बाड़े को भी अश्विन ने आउट करवा दिया रविंद्र जडेजा के हाथों, कैच आउट करवा दिया, ये भी केवल 30 रन जुड़ा पाए अपनी पारी के लिए। और उसके बाद दोस्तों लवुसेन 132 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया की ओर से 48 रन लगा पाए हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज अपना अर्धशतक तक पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ केवल 0 रन पे ही आउट होकर चलते बने, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हेड 38 रन बना पाए हैं ग्रीन, यहाँ पे क्रिस ग्रीन यहाँ पे 12 रन बना पाए हैं 60 गेंदों का सामना करते हुए, तो वहीं पेने ने यहाँ पे 13 रन बनाए हैं 38 गेंदों का सामना करते हुए। पेट कमिंस मात्र 9 रन 33 गेंदों का सामना करते हुए। और दोस्तों इस तरीके से देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने सभी विकेट गंवाने के बाद 72.3 ओवर में 195 रन बना डाले, जहां पर दोस्तों मैं सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी भारत के गेंदबाज की। जब दोस्तों भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी, भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने 16 ओवर में से 4 ओवर तो मेडन फेंके, तो वहीं मात्र 56 रन देने के बाद 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों यहीं से मैच का पासा पलट गया। और उसके बाद दोस्तों हालांकि उमेश यादव ने कोई भी विकेट नहीं लिया है, ये बहुत ही खराब बात है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी आर अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन ने 24 ओवर कराए हैं, जब दोस्तों 24 ओवर में से 7 ओवर मेडन फेंके, तो वहीं मात्र 35 रन देने के बाद 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दोस्तों हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी मोहम्मद सिराज की। तो गाइस मोहम्मद सिराज ने पहले अपने टेस्ट मैच के पहला इनका डेब्यू था आज के इस मैच में, और दोस्तों पहले ही टेस्ट मैच में 15 ओवर फेंके, 15 में से 4 ओवर मेडन फेंके, तो वहीं मात्र 40 रन देने के बाद 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों इसी की बदौलत भारत के तेज गेंदबाजों ने, मीडियम पेसर गेंदबाजों ने, स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों को 195 रन पे ढेर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया 195 रन पे। और दोस्तों पहले दिन के खेल समाप्त होने से पहले भारतीय टीम मैदान में बैटिंग करने के लिए उतरी, तो सबसे पहला बड़ा झटका लग चुका है भारतीय टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में। जब दोस्तों मयंक अग्रवाल को LBW आउट कर दिया मिचेल स्टार्क ने, केवल 0 रन पे आउट कर दिया बिना कोई खाता खोले, हालांकि उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा है भारतीय टीम का, ये अच्छी बात है। सोमन गिल 28 रन पे खेल रहे हैं 38 गेंदों का सामना करते हुए, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा 30 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाने के बाद 1 विकेट गंवाया है भारतीय टीम ने। अब तक टोटल 11 ओवर में 36 रन बनाने के बाद अभी भी खेल रहे हैं भारत के बल्लेबाज। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि दूसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और दोस्तों इन दोनों ही गेंदबाजों को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इनकी गेंदबाजी के लिए, नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। और दोस्तों हां, क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।